एक्सिस सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में पेंशनधारियों को डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट के बारे में जानकारी दी गई। इस अवसर पर वित्तीय सेवा विभाग के अवर सचिव धनंजय प्रसाद सिंह ने बताया कि पेंशनधारियों को लाइफ सर्टिफिकेट के लिए अब बैंक आने की जरूरत नहीं होगी। ये सिंपल सा फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी है और इसके जरिए आप किसी भी पेंशनर या फैमिली पेंशनर से उसका आप जीवन प्रमाण पत्र घर बैठे सबमिट कर सकते हैं। और इसके लिए आपको दो ऐप डाउनलोड करने हैं। आप इस गूगल में जाएं, गूगल प्ले स्टोर में जाएं, एक फेस आरडी ऐप है उसको डाउनलोड करें, वो हिडन रहेगा। जीवन प्रमाण है, जीवन प्रमाण ऐप है, उसी से आप जाके उसके आगे फिलर आते जाएंगे, अकॉर्डिंगली आपको फिल करते जाइए और फिर आप खुद ऑपरेटर बन सकते हैं। आप तो अपना खुद कर ही सकते हैं। इसके तहत आप पेंशनधारियों को जीवन प्रमाण पत्र बनवाने के लिए बैंकों के चक्कर नहीं लगाने होंगे, क्योंकि अब आप स्मार्टफोन के जरिए भी घर बैठे अपना डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। स्मार्टफोन आधारित इस सुविधा में अब बायोमेट्रिक की भी आवश्यकता नहीं होगी, सिर्फ चेहरे के प्रमाणीकरण के माध्यम से जीवन प्रमाण पत्र बन जाएगा। और आइए अब आपको बताते हैं कि आप कैसे फेस ऑथेंटिकेशन सबमिशन के जरिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने स्मार्टफोन पर जीवन प्रमाण ऐप डाउनलोड करना होगा। फिर जीवन प्रमाण ऐप में अपना आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और अपना पर्सनल डिटेल भरकर सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों पर एक वन टाइम पासवर्ड प्राप्त होगा। आप अपनी पहचान सत्यापित करने के लिए ओटीपी सबमिट करें। इसके बाद अपना नाम दर्ज और संकेत मिलने पर स्कैन विकल्प चुनें। फिर यह ऐप फेस स्कैन के लिए अनुमति का अनुरोध करेगा, जिसे आप प्रक्रिया पूरी करने के लिए दे सकते हैं। प्रक्रिया जारी रखने के लिए हाँ पर क्लिक करें। अब स्कैनिंग के साथ आगे बढ़ने के लिए मुझे इसकी जानकारी है बटन पर क्लिक करें। इसके बाद ऐप फोटो को स्कैन करेगा और रिकॉर्ड करेगा। प्रक्रिया पूरी होने के बाद स्क्रीन प्रमाण आईडी और पीपीओ नंबर के साथ सबमिशन दिखाएगा। वहीं केंद्र सरकार की इस अभियान को पेंशनधारियों ने भी काफ़ी सराहा। नए टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट हुए और इस ओल्ड एज में ये इस तरह का ऐप तो काफ़ी सपोर्टिव है। ऐप बहुत अच्छा है और ब्रांच का बहुत ही अच्छा, मतलब ह्यूमैनिटी के साथ कोऑर्डिनेशन। राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 2.0 के तहत 50 लाख पेंशन भोगियों का चेहरे के प्रमाणीकरण के माध्यम से जीवन प्रमाण पत्र बनवाने का लक्ष्य रखा गया है। फिलहाल पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग इस अभियान को देश भर में सफल बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। इसके लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की प्रक्रिया और आसान हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना।